दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निर्मला अग्रवाल पहाड़ी ब्लॉक में। और दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 9 बजे से। और अभी आई हूँ मैं मोनू और रानी को लेके ग्वाला आई हूँ। ये देखिए दोनों आए हैं, मोनू और रानी ग्वाला, और पीछे से आ रहे हैं बाकी बकरियों को लेके नीचे से। ये देखिए ये देखिए, और यहाँ पे रेखा बना रही है गुप्टोले। ये देखिए गुप्टोले बना रही है रेखा गुप्टोले। मेरा तो अभी गोबर ही नहीं निकाला है मैंने, यहाँ बनाने भी लग गई है गुप्टोले। हाँ अभी मेरा निकाला नहीं है आज गुप्टोले, 50-50 करेंगे। ठीक है ठीक है, अभी आती हूँ। तो दोस्तों मैं बकरियों को बेचती हूँ इस साइड को, क्योंकि यहाँ ले जाना है बोल रहे हैं इस साइड को, तो इधर को ही बगाती हूँ बकरियों को। चल मनो। तो हमारे दादा भी जाने लग गए हैं अभी ग्वाला के लिए। दादा किस साइड को जा रहे हो आप? हाँ, और दादा का डायलॉग है, जो आएगा वो खाएगा काजू बादाम ना। तो हमारी मोनू आज ब्यानी वाली है, ब्यानी वाली है मोनी हमारी। तो बकरियाँ सारी ऊपर को चली गई हैं, लेकिन ये बेचारी ऊपर को जा नहीं पा रही है, यहीं पे सो गई है। ये देखिए बहुत दर्द में है बेचारी अभी। हम तो दीपू में घटी है, खाई नहीं थी हमारे तेल पका रही है, लड्डू पका रही है। क्यों नहीं पका रही है? जा गई बकरी हमारी, पार्टी हो गई है। का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। सुबह बोल दिया था ना मैंने, तो अभी भी बोल देती हूँ हैप्पी बर्थडे। आज दीपू के बर्थडे के दिन हमारी बकरी भी आ गई है ना। अब दो दो का बर्थडे होगा। ये साहब क्या नाम रखेंगे उसका? इतना मत सोच, सूरत लड़की है वो, बेकूब चांदनी। चल ठीक है, चांदनी रखेंगे इसका नाम। ठीक है ठीक है ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे टाइम हो चुका है 11, और अभी तक मेरा गोबर नहीं निकला है, क्योंकि मैं आज सुबह से बकरी के ही पीछे हूँ। तो दोस्तों अब निकालती हूँ मैं गोबर फटाफट से, और 11 बज गया है। अब खेत में जाने का टाइम तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने गाय को पानी भी नहीं दे रखा है। फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि मम्मी और पिताजी घर में नहीं है आज, अभी वड्डा गए हैं, वड्डा से आने में तक खाना बनाना होगा। तो कर लेती हूँ मैं अपना काम फटाफट से। दोस्तों टाइम हो चुका है, 1:30 बज गया है, खाना मतलब भात बन चुका है हमारा, और आज बना रहे हैं मछली बना रहे हैं, लेकिन मछली अभी आई नहीं है। तो ग्रेवी हमारी बन चुकी है, ये देखिए थोड़ी बहुत बनी है, थोड़ी बहुत बननी बाकी है। तो मम्मी और पिताजी गए हैं वड्डा, वो लेके आ रहे थे, अभी तक घर में नहीं पहुँचे हैं। तो देखते हैं किस समय पहुँचते हैं, किस समय हमारा खाना बनता है, फिर दिखाऊँगी दोस्तों मछली कैसी बनाई है करके। मच्छी आ गई है अभी, दूध गया है, बन गया मच्छी की पकौड़ी। और दोस्तों देखो खाना पीना खाने के बाद हम लोग जाने लग गए हैं अभी दीवाली की खेड़ी गजो लेने के लिए, निकल जा रहे हैं। तो खेड़ी वाले भी ज्यादा नहीं है, हम तीन ही हैं, और एक पिंकी दी शायद आने वाली है। ये देखिए रेखा चाची दीपा दी, ये देखिए। और हम लोग जा रहे हैं अभी आइला पहाड़ के रास्ते से, तिकुन्या थी, तिकुन्या। ये देखिए यहाँ से चलते हैं।
तो दोस्तों जहाँ हम जा रहे हैं अभी, पहले में हम लोग यहाँ जाते थे मंगा काटने के लिए, जिजराड़ बोलते हैं, इस रास्ते से जाते थे हम। लेकिन अभी जिजराड़ नहीं जा रहे हैं, उसके ऊपर है गज्जो, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों देखो हम लोग पहुँच चुके हैं गज्जो लेने के लिए यहाँ पे। तो दीदी का है गज्जो, दीदी का, तो यहाँ से ले जाना है हमको गज्जो। इनकी दीदी पहुँच चुकी है गज्जो लेने के लिए। और दोस्तों बात दी है हमने भारी यहाँ पे, ये देखिए। और हम लोग पहुंच गए हैं आइलव पहाड़ के पास में। यहाँ से दुकान से मंगाया जा रहा है सामान, ये देखिए। और भारी देखिए, इनकी पीठ में बिल्कुल भी दिखी नहीं है, ये देखिए। काफे से ले लिया है हमने कुरकुरा, दिवाली ला गई है कुरकुरा, तो खाते खाते चलते हैं। सभी के हाथ में है एक एक, ये मेरे हाथ में भी है ये। मैं पिंकी दीदी हूँ, मैं पिंकी दीदी हूँ, रेखा दीदी और दीपा दीदी आगे चले गए हैं। और हमने यहाँ पे भारी बिछा दी है, ये देखिए। तो चलते चलते नहीं खाया जा रहा है, बैठ के खाते हैं कुरकुरा। तो दोस्तों देखो हम लोग पहुंच चुके हैं घर में, गज्जो हम ऊपर फेंक के आ गए हैं। और यहाँ पे अनिशा बना रही है चाय, चाय पीते हैं फिर जाते हैं खेत में। चाय लेके आ गई है दीपाजी। तो देखो यहाँ पे टाइम हो गया है 6:30 हो गया है, और मैं जा रही हूँ अभी ऊपर के लिए जा रही हूँ, और वहाँ पे काट रहे हैं दीपू का केक, तो चलते हैं ऊपर के लिए। और दोस्तों देखो हम लोग सभी आ गए हैं पतियाला में, और यहाँ पे मानसी लगाने लग गई है सभी को टीका। तो सबसे पहले टीका लगाया जाता है, सभी को लगा रही है एक एक करके। टीका लगाने की ड्यूटी हमेशा हिमांशी की रहती है। और यहाँ पे सभी को ठंडा हो रहा है, और सोमू के हाल देखिए, ये देखिए पूरी उसमें कुट्ठी में टॉफी भर के रख रखी है इसने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दीपा क्या देखा, सब ट्रॉफी सोमू को ऐसे कुटू ने भाई सपा। हां एक का भाई है आमा, बाबू लग गया तू भी आ गया कर दे जो वो काट के रखी खान में पेड़ी छ आगे कर मत मुंह ये बुला रहा है रुको ऐसे ही चलो छोड़ बेश बेश बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू Happy birthday! Hey! मेरे हाथ में लग गई। मेरे हैं गाड़ी में सुधो अकेले ना देख मुंह में तो लगाओ
हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। यहाँ देखो कौन खड़े हैं वैसे। अब आमा, आमा, मम्मी, आमा खिला दा जा। ऊपर ही जा, बैठ जा। ऐसा भी कर बिरे, ऐसा दो ऊपर दो पड़े। हाँ ऐसे तो ऐसे अमली। बैठ, मेरे को तो पता नहीं। जय श्री देवता। बोलो इसमें आएगा, बोलो जय श्री देवता। मनोकामना पूरी करो, मनोकामना पूरी करो, रक्षा करो, रक्षा करो, डॉक्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, सब काम बनाना, अफसर बनाना, अफसर बनाना, फर्स्ट निकालना, फर्स्ट निकालना। मैं नहीं कर रहा। ओ पापा काटने दे, काटने इधर से काट। देख भी तो देख ना। इधर देख तो हाथ वहां कर। अब सोमू की बारी। अब खिला दे। तो खाना पीना खा के हम लोग आ गए हैं। बर्थडे पार्टी भी हमारी छोटी मोटी हो चुकी है ना दीपक। यहाँ देखो बेटा, कैसी हुई बर्थडे पार्टी आपकी? बहुत अच्छी। अच्छी हुई? थोड़ा ही, थोड़ा ही, थोड़ा बहुत ही सेलिब्रेशन किया ना हमने। ज्यादा नहीं किया ना। ऐसे अभी लाइट है, ऐसे उड़ने वाला, ऐसे चिंगारे फेंको उसने। क्या फुलझड़ी? क्या किया था? फुलझड़ी जलाई थी एक। और दोस्तों आज मेरे दीपू को हो गए 4 साल कंप्लीट। आज से 5 साल स्टार्ट ना बेटा। हाँ। 4 साल का बुढ़ा हो गया रे तू। हाँ। हाँ। अब वीडियो की समाप्ति भी यहीं पे कर देते फिर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।